गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरे बाप चीज क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रावल जी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक आर्यन की मोस्ट ऑडेड फिल्म भूल भुलैया 3 और अजय देवगन की मोस्ट ऑडेड फिल्म सिंघम अगेन के शुरुआती 11 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही जानेंगे कौन सी फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार रही है, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। मैं आपका दोस्त सुमित के रावल, तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें रोहित शेट्टी की डायरेक्शन बनी फिल्म सिंघम अगेन की, तो यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें हमें लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं अजय देवगन, करीना कपूर खान, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ। दोस्तों इस फिल्म को 1 नवंबर को रिलीज किया गया, जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन हो रहे हैं। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने 11वें दिन यानी आज लगभग 8 करोड़ रुपया कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के शुरुआती 11 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 214.50 करोड़ रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 255.60 करोड़ रुपए का, तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 320.80 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों अब बात करें अनीस बज्मी की डायरेक्शन बनी फिल्म भूलभुलैया 3 की, तो यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें हमें लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी। वहीं दोस्तों इस फिल्म को भी 1 नवंबर को रिलीज किया गया है, जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन हो रहे। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने 11वें दिन यानी आज लगभग 9 करोड़ रुपया कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के शुरुआती 11 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 208.50 करोड़ रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 248.30 करोड़ रुपए का, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 315.50 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों ये थे इन दोनों ही फिल्मों के शुरुआती 11 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट। दोस्तों आपसे एक बता दूं कि जहां आज भूलभुलैया 3 ने बाजी मार लिया है, तो दोस्तों अगर आपने इन दोनों ही फिल्मों को देख लिया तो हमें नीचे कमेंट थे कि आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी, और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी अजय देवगन कार्तिक आर्यन के डाई हार्ड फैन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इन दोनों ही फिल्मों की आने वाली सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।